बिना मोबाइल के साथ कोई सोता नहीं है, बिना मोबाइल के कोई उठता नहीं है, है ना? Yes. लेकिन मेरा मोबाइल का तालीम चाहिए, मेरा ये कहना है आप कहीं भी जाइए ना आए, लेकिन उस जगह पे आपको स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट और स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट जरूर मिल जाएगा। तो नीचे प्रोग्राम चल रहा है वहां स्मार्ट वैल्यू, ऊपर वाले फ्लोर पे प्रोग्राम चल रहा है वहां स्मार्ट वैल्यू, रास्ते में कहीं जाए वहां स्मार्ट वैल्यू, ट्रेन में बैठे वहां स्मार्ट वैल्यू, बस स्टैंड पे जाए वहां स्मार्ट वैल्यू, मतलब हर जगह अगर आप स्मार्ट वैल्यू में तो आपको स्मार्ट वैल्यू मिलता रहेगा। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज भुवनेश्वर में हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी मुझे मिलने का मौका मिला। फेम सर यहाँ पे है, मैं रास्ते में ही जैसे आए मैंने सर को देखा और मैं तब से अपने दिमाग में चला रहा हूँ कि मैं सर के साथ कहीं मिला हूँ, आदमी के साथ कहीं मिला हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा कि कहाँ मिलो, क्योंकि सर के साथ मेरी फोन में बातचीत होती रहती है, व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन होता रहता है, और ऐसा नहीं कि हम मिले नहीं, बीच बीच में हम मिले भी हैं, लेकिन लंबे लंबे समय में मिलना तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता ना? Yes. और सर लगातार हैंडसम से हैंडसम होते जा रहे हैं, स्मार्ट से स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो टेंशन हो ही जाता है कि कोई बंदा अपना ही है कोई और नहीं है। सर जैसे मैं आया तो कहा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के प्रोग्राम चलते रहते हैं, मैंने कहा होगा कोई कंपनी कहा है ना, बाद में ध्यान आया भाई कोई कंपनी नहीं, अगर होगा तो स्मार्ट वैल्यू का ही है ना। तो अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा सर का, अनंतो सर का, एंटायर टीम का, कि मुझे मौका दिया आपके सामने आने के लिए, एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल प्रोग्राम है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए हम एक परिवार है स्मार्ट वैल्यू है ना, और यहाँ पे जितने लोग आए हैं एक उम्मीद लेके आए हैं, एक इच्छा लेके आए हैं कि हमें कुछ ना कुछ स्मार्ट वैल्यू से चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पे हैं कोई भी टाटा बिरला अंबानी का बच्चा यहाँ पे नहीं, लेकिन टाटा बिरला अंबानी बनने की इच्छा हर एक आदमी रखता है, ऐसा ना? फ्रेंड्स हम चाहे कैसी भी फैमिली में जन्म लिए हैं, किस भी जगह पे हम आए हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, क्योंकि जन्म देना और जन्म देने के बाद में रास्ता दिखाना, हम तो कहते हैं ना कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई आदमी अपने से कहे कि हमने ये कर लिया तो मैं उसको यही कह सकता हूँ कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं चलता, है ना? अगर उसकी मर्जी है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब उसकी मर्जी अगर ये है कि आपको स्मार्ट वैल्यू मिले, देखो हमारी मर्जी नहीं, सर की मर्जी, सर कहते हैं मेरा टीम इतना है, अनंतो सर कह रहे हैं मेरे अंदर टीम नहीं, उसने बना के दिया है, उसकी मर्जी है ना। yes. तो सबसे बड़ी बात है कि हमें स्मार्ट वैल्यू ही क्यों मिला, बहुत सारी कंपनियां बाहर डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही बदनाम है, हम सभी डायरेक्ट सेलिंग पे है ना। yes. कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनी आती है और भाग जाती है, ये बदनामी है, और ये बदनामी नहीं है, ये सच्चाई है या झूठ है बताओ, सच्चाई है ना? रियलिटी ये है कि हर साल 3000 से ज्यादा कंपनियां आती है, 3000 से ज्यादा कंपनियां भाग जाती हैं, है ना? yes. तो ये सच्चाई है, लेकिन उन कंपनियों में से स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी कंपनी पिछले 23 साल से आई हुई है और आज तक भागी है क्या? भागी है? मैं कहता हूँ भाग रही है स्मार्ट वैल्यू कंपनी, भाग रही है, भाग रही है। दोस्तों ये वो कंपनी है पिछले 23 साल से हर दिन भाग रही है, हर महीना भाग रही है, हर साल भाग रही है। कंपनी के मैनेजमेंट के लोग कह रहे हैं कि भागे, आपके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि भागे, ये वो कंपनी है जो लगातार पिछले 23 सालों से हर दिन हर समय हर एक सेकंड सेकंड पे भाग रही है, क्योंकि हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू के इस परिवार में लोग जुड़ रहे हैं और ये कंपनी लगातार सफलता की तरफ भाग रही है। भाग्यशाली के भगवान ने हमें मौका दिया स्मार्ट वैल्यू में कुछ करने का, करना है तो yes! सभी आगे बढ़ना चाहेंगे। फ्रेंड्स मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाला करता है क्या करता है, सब अच्छा करता है, करता ना? yes! विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर में? yes!
अगर उसने आपको स्मार्ट वैल्यू दिया तो कुछ अच्छा सोच के दिया होगा। लेकिन अब बात आती है आपका खरा उतरने की। उसने जगह तो दे दिया, रास्ता तो बना दिया आपके लिए, लेकिन रास्ते में चलना किसको है? किसको चलना है? आप सभी को चलना है। तो एक चीज कहूंगा, इस रास्ते में चलने के लिए आपके सीनियर जो आपको जगह बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, उस तरीके को फॉलो करिए। और वो तरीका ऐसे नहीं बता रहे, उनका खुद का एक्सपीरियंस, जो आज जिस जगह में वो खुद है, वो चाहते हैं आप भी उसी जगह में कर जाएं। तो उस चीज को फॉलो करिए और उस रास्ते, उस नक्शा कदम में चलने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कोशिश, अपने इच्छा में अगर खड़ा होते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ये कोशिश आपका जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आपके साथ में प्रेम सर जैसे, अपना आनंदो सर जैसे लीडर है, और उसके साथ साथ में स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म आपके साथ में। लगातार सक्सेस अगर आपको चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो लगातार एक काम करिएगा, वही काम करिएगा जो आपके सीनियर आपको बताएंगे। हो पाएगा? साथ में प्रोडक्ट कंपनी का यूज करना है। कंपनी किसका है? किसका है? तो कंपनी आपका है, तो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए। क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के पीछे क्या कारण है, कंपनी का प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, मैं आपको एक चीज कहता हूं कि सपोज करिए आपके पास मर्सिडीज कार है। मर्सिडीज कार है ना? Yes. चाहिए? Yes. हाँ, कह सकते हैं। मुझे पता आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि स्मार्ट वैली में हम सब लोग Yes. है ना? Yes. तो मर्सिडीज कार है, तो मर्सिडीज कार की वैल्यू, मर्सिडीज कार की वैल्यू तभी होगी जब उसके पहिए उसके साथ लगे होंगे। Yes. नहीं तो कार की कोई वैल्यू नहीं है। टायर होगा तभी तो गति पकड़ेगा, तभी तो सफलता मिलेगी, तभी तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो याद रखिए, आपकी सफलता का डेस्टिनेशन, आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए जो टायर है, वो कुछ और नहीं, बस आपका कंपनी का प्रोडक्ट है। जितना यूज करोगे, जितना लोगों तक पहुंचाओगे, जितना जिस जिस घर में जाएगा, उसी घर से आपको सफलता मिलेगी, वही आपको सफलता तक लेके जाएगा। हो पाएगा? कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए, कंपनी में अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपना स्किल्स को इम्प्रूव करिए। प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ में कंपनी की जानकारी लीजिए, लीडर्स के साथ में कंटिन्यू कनेक्टेड रहिए। ये सारी चीजें आपको सफलता के रास्ते में लेके जाएगी और सक्सेस करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।